सर, महंगाई के हवाले से आपने डिस्कशन तो हमारी सुन ली है, मुझे बताइए। सब्जी बेचता हूँ, ठेला लगाता हूँ, 700-800 रुपए कमाता हूँ और 1000 रुपए में 2 आइटम आ जाते हैं, एक चीनी और एक घी वगैरह। बाकी और किस तरह से मजबूर हो गया हूँ, सुबह जाता हूँ मंडी, माल लाता हूँ, लगाता हूँ और जो बिक जाता किस तरह से बच्चों का पेट पालूँ। महंगाई इतनी हद से बढ़ गई है कि आटा लेने पे मजबूर हो जाते हैं, बड़ी बड़ी लाइनें लगानी पड़ रही हैं लेकिन आटा नहीं मिल रहा है। कभी 110 हो जाता है, कभी 115 हो जाता है। किस तरह से हम गुजारा करें? ये हुक्मरान जो हमारे बैठे हैं, इन्होंने हमारे पे इतना जुल्म करा कि आज हम गली गली की ठोकरें खा रहे हैं, सब्जी का ठेला लगा रहे हैं मगर उसमें बन नहीं पा रहे हैं। किस तरह से अपना खर्चा कर सकें? क्या लगता है आवाम ने कब निकलना है, किससे उम्मीदें वाबस्ते? आवाम तो कोई निकल ही नहीं रही, कितना जुल्म हो रहा है, इतनी महंगाई हो रही लेकिन कोई बाहर निकल नहीं ले रहा है। गैस की हमें परेशानी, लाइट की हमें परेशानी, 4-4 घंटे हो जाते हैं लाइट नहीं चली जाती और नहीं आती। कुरान शरीफ पढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता, सुबह फजर में चली जाती, मगरिब के टाइम चली जाती, किस तरह से हम गुजारा करें? अच्छा, मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है? क्या मौजूदा हुकूमत का कोई इस टाइम कोई काम ही नहीं कर रही, कोई रिलीफ नहीं दे रही है। हर आदमी परेशान हुआ हुआ है। हर मैं क्या लेने के जिससे भी आप मालूम करेंगी वो यही कहेगा कि भाई परेशान है, हर चीज़ से परेशान है।